नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। देश ने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 150 करोड़ टीके से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर इतिहास रचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से कोलकाता में चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के महापंजीयक को प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा से संबंधित रिकॉर्ड को सुरक्षित और संरक्षित करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक से अधिक संबंधित स्थिति का जायजा लेने के लिए 3 सदस्यीय गृह मंत्रालय की समिति फिरोजपुर पहुंची। उच्चतम न्यायालय ने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग और वर्ष 2021-22 शैक्षणिक सत्र के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण पर अपना फैसला सुनाया। सरकार ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की। इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम, राजस्थान को द्वितीय और तमिलनाडु को तृतीय स्थान मिला। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 3,007 मामले, पिछले 24 घंटों में 1,17,000 से अधिक नए मामले सामने आए। भारत ने गैर परमाणु हथियार वाले देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने के सिद्धांत को दोहराया। और क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में भारत को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-1 की बराबरी की। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं लवली निगम। देश के कई हिस्सों में कोविड के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हम अपने श्रोताओं से सतर्क रहने और पूर्ण टीकाकरण करवाने की अपील करते हैं। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों सहित अन्य लोगों से भी टीका लगवाने का आग्रह करते हैं। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन चिंता का कारण बन रहा है। कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी के लिए कृपया राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। भारत ने आज राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 150 करोड़ के आंकड़े को पार करके इतिहास रच दिया है। ये उल्लेखनीय उपलब्धि 1 साल से भी कम समय में हासिल की गई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि पिछले साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत के बाद से देश ने 90% पात्र नागरिकों को टीके की पहली डोज और 65% लोगों को दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत पिछले साल 21 अक्टूबर को केवल 279 दिन में 100 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त किया गया था। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में टीके उपलब्ध करा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पात्र लोगों को कोविड टीके की एहतियाती डोज लगाने का अनुरोध किया है। ये अभियान 10 जनवरी से शुरू होगा। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और विभिन्न रोगों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को ये टीका लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 150 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने का इतिहास रचने पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नए साल के पहले महीने के पहले सप्ताह में देश ने ये अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के नए संकल्प का प्रतीक है जो आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए वैज्ञानिकों, टीका निर्माताओं और स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद कहा है। 150 करोड़ वैक्सीन डोज का ये सुरक्षा कवच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज भारत की वयस्क जनसंख्या में से 90% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की एक डोज लग चुकी है। सिर्फ 5 दिन के भीतर ही 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को भी वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। ये उपलब्धि पूरे देश की है, हर सरकार की है। मैं विशेष रूप से इस उपलब्धि के लिए देश के वैज्ञानिकों का, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स का, हमारे हेल्थ सेक्टर से जुड़े साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोलकाता में चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा है कि देश
लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है। इस संस्थान से कैंसर से पीड़ित गरीब और आम लोगों को मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल सहित पूरे देश में जो 8000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं, उनमें बहुत सस्ते दाम पर दवाइयां और सर्जिकल सामान दिए जा रहे हैं। इन स्टोर्स पर कैंसर की भी 50 से अधिक दवाइयां बहुत कम कीमत पर उपलब्ध हैं। कैंसर की सस्ती दवाओं को उपलब्ध कराने के लिए विशेष अमृत स्टोर भी देश भर में चल रहे हैं। सरकार का यही सेवा भाव, यही संवेदनशीलता गरीबों को सस्ता इलाज सुनिश्चित करने में मदद कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कोलकाता के न्यू टाउन में दूसरे परिसर के उद्घाटन अवसर पर मौजूद थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वर्चुअल रूप से कार्यक्रम में शामिल हुई। ये परिसर देश के सभी भागों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और इन्हें उन्नत बनाने के प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप निर्मित किया गया है। संस्थान में कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसका विस्तार जरूरी हो गया था। दूसरे परिसर से ये जरूरत पूरी हो सकेगी। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के महापंजीयक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा से संबंधित रिकॉर्ड को सुरक्षित और संरक्षित करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने पंजाब पुलिस के अधिकारियों, एसपीजी और अन्य केंद्रीय और राज्य की एजेंसियों को जांच में सहयोग करने तथा पूरे रिकॉर्ड सील करने के निर्देश दिए हैं। याचिका में सुरक्षा चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए पंजाब सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई सोमवार को भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूक मामले की जांच कर रही गृह मंत्रालय की समिति आज फिरोजपुर पहुंची। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समिति ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय और 13 अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर दौरे के दौरान हुई सुरक्षा को लेकर लोगों में रोष है। इसको लेकर कांग्रेस भी दो भागों में विभाजित दिखाई दे रही है। एक तरफ यहां मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चंदी और पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई, वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए जांच को जरूरी बताया है। वहीं श्री अनंतपुर साहिब के कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उच्च न्यायालय के मौजूदा जज से इसकी जांच करवाने की मांग की है। उधर भारतीय जनता पार्टी की पंजाब इकाई ने मुख्यमंत्री द्वारा बनाई गई जांच समिति को अस्वीकार कर दिया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कल बनाई गई जांच समिति ने अपनी जांच शुरू कर दी है। जांच समिति फिरोजपुर में पहुंच चुकी है और पंजाब के पुलिस महानिदेशक सहित 13 अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे में गंभीर सुरक्षा चूक की जांच के लिए समिति गठित की है। मंत्रिमंडल सचिवालय में सुरक्षा सचिव सुधीर कुमार सक्सेना 3 सदस्यों की समिति के अध्यक्ष होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करने के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सराहना की है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों की अलग अलग विचारधाराएं, विश्वास और राय हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को किसी भी तरह उचित ठहराने का कोई आधार नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री श्री पटनायक ने कल एक ट्वीट में देश के प्रधानमंत्री को एक संस्था बताते हुए कहा कि हर सरकार का यह कर्तव्य है कि वो पूरी सुरक्षा प्रदान करे और प्रधानमंत्री की गरिमा को बनाए रखे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदला है। लखनऊ में दूरदर्शन के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राज्य को अपराध मुक्त बनाया है और कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। यही वजह है कि राज्य में निवेश आ रहा है। उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में आप चले जाइए, राजधानी से लेकर किसी भी कोने के तक, गांव-गांव तक आप कह सकते हैं गुंडा राज मुक्त उत्तर प्रदेश को किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यहां की बेटियों को सड़कों पर निकलना शाम को मुश्किल हो जाता था, मन चले कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। एक ऐसा संरक्षण सरकार की ओर से मिलता था कि व्यापारी को भी शाम को दुकान को ताले लगाकर पहले घर जाना पड़ता था। आज वो वातावरण बदला है। एक ऐसा डर, खौफ जो 2017 से पहले देखने को मिलता था वो आज नहीं है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी के चुनाव के सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पिछली बार की तुलना में अधिक सीटें जीतेगी क्योंकि पिछले पांच वर्षों में योगी सरकार ने शानदार काम किया है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध की घटना पर श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि पंजाब सरकार की चुप्पी ही इस घटना के बारे में बहुत कुछ बताती है। पंजाब की सरकार की बात नहीं है, ये कांग्रेस की सोच को दिखाता है कि इसके पीछे कांग्रेस के मंसूबे क्या थे। और प्रधानमंत्री जी के बारे में जो कहा गया, किसी मीडिया में कोट करके कहा गया कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कर देना, मैं सुरक्षित वापस लौट गया। लखनऊ में आज से दूरदर्शन समाचार के दो दिन के मेगा कॉन्क्लेव कितना बदला यूपी का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्क्लेव का सीधा प्रसारण डीडी न्यूज और क्षेत्रीय डीडी उत्तर प्रदेश चैनल पर किया जा रहा है। कॉन्क्लेव का समापन कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष साक्षात्कार के साथ होगा। निर्वाचन आयोग ने संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवारों की मौजूदा चुनाव खर्च सीमा बढ़ा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह आगामी सभी चुनावों में लागू होगी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च सीमा 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपए की गई है। गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये सीमा 54 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख रुपए की गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव व्यय सीमा बढ़ाकर 95 लाख रुपए की गई है। वहीं बड़े राज्यों में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए खर्च सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए और छोटे राज्यों में 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 28 लाख रुपए की गई है। इससे पहले वर्ष 2014 में चुनाव खर्च सीमा में संशोधन किया गया था, जिसे फिर वर्ष 2020 में 10% बढ़ाया गया। आयोग ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए उम्मीदवारों के लिए मौजूदा चुनाव व्यय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मात नहीं तो टोकेंगे, करोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मात नहीं तो टोकेंगे, करोना को रोकेंगे। सुनो ना, हाँ, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ। तो रोका किसने है? हाँ, रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे? तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242। ओ, 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के माध्यम से स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग और वर्ष 2021-22 के शैक्षणिक सत्र के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण पर अपना फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की खंडपीठ ने नीट स्नातक और स्नातकोत्तर दाखिलों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है, राजस्थान दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की। सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिला पंचायत और उद्योग सहित 11 श्रेणियों में 57 पुरस्कारों की घोषणा की गई है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र। देश ने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 150 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर इतिहास रचा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से कोलकाता में चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के महापंजीक को प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा से संबंधित रिकॉर्ड को सुरक्षित और संरक्षित करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक से संबंधित स्थिति का जायजा लेने के लिए 3 सदस्यीय गृह मंत्रालय की समिति फिरोजपुर पहुंची। उच्चतम न्यायालय ने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग और वर्ष 2021-22 शैक्षणिक सत्र के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण पर अपना फैसला सुनाया। सरकार ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की। इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश प्रथम, राजस्थान द्वितीय और तमिलनाडु तृतीय स्थान पर रहा। देश में अब तक ओमिक्रॉन के 3,007 मामले, पिछले 24 घंटों में 1,17,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। भारत ने गैर परमाणु हथियार वाले देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने के सिद्धांत को दोहराया। और क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट में भारत को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली। देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 3,007 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 1,199 मरीज ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में 876, दिल्ली में 465 मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि स्वस्थ होने की दर 97.57% है। स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,43,71,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1,17,000 नए मामले सामने आए। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड महामारी से निपटने के लिए एकीकृत रणनीति बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। गृह सचिव ने कल बैठक कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कोविड और विशेषकर ओमिक्रॉन संक्रमण में हुई वृद्धि को देखते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 9 पड़ोसी जिलों में कोविड की स्थिति से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। कर्नाटक में कोविड मामलों में तेजी से वृद्धि के मद्देनजर आज से पूरे राज्य में सप्ताहांत कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ये प्रतिबंध आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। वीकेंड कर्फ्यू के समय बेंगलुरु नगर बस सेवा में कटौती होगी। केवल 10% सेवा ही सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध होगी। केवल आवश्यक सेवा संस्थाओं में काम कर रहे कर्मचारी अपना आईडी दिखाकर बस सेवा का लाभ उठा पाएंगे। बेंगलुरु मेट्रो रेल निगम उनके जानकारी के अनुसार कर्फ्यू के वक्त सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक 20 मिनट के अंतराल पर मेट्रो ट्रेन उपलब्ध होंगी। अन्य जिला और अन्य राज्य को जाने वाली कर्नाटक राज्य बस सेवा निगम की से भी कम चलेंगी। यात्रियों को आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट और डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होगा। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पहुंचने वाले यात्री टैक्सी, ऑटो और बस सेवा पा सकेंगे। शर्त यह है कि उनके पास यात्रा का टिकट और कोविड से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध हों। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कल गुवाहाटी में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोविड स्थिति की समीक्षा की। राज्य में कल 844 नए मामलों की पुष्टि हुई। असम सरकार रात का कर्फ्यू लागू कर चुकी है। दिल्ली के मैक्स अस्पताल के हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर बलबीर सिंह ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि यदि कोई व्यक्ति हृदय रोगी है और वह कोरोना से भी पीड़ित है तो उसे पृथकवास में भी काफी एहतियात की आवश्यकता है। हम हर साल देखते हैं कि विंटर सीजन हार्ट अटैक्स बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ जाता है, ज्यादा लोग एडमिट होते हैं हार्ट डिजीज से। अब उनको एक तरफ से कोविड है और दूसरी तरफ से हार्ट डिजीज है, उनको बहुत ज्यादा बचना चाहिए। तो उनको कैसे बचाव कर सकते हैं कि एक तो ठंड से बचना, फिर दूसरा अपने आप दवाई रेगुलरली खानी है। तो कईयों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है विंटर्स में, ब्लड प्रेशर आप रेगुलरली चेक करिए, दवाई मॉडिफाई करनी पड़ती है बीपी की इस सीजन में, जिसको भी ध्यान रखना पड़े। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि निर्वाचन आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय की कल हुई बैठक के बारे में आई कुछ मीडिया रिपोर्ट सही नहीं है। इन रिपोर्टों में कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैठक में सुझाव दिया है कि देश में कोविड की स्थिति से चिंताजनक नहीं है और चुनाव वाले राज्यों में ओमिक्रॉन के कम मामलों को देखते हुए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये खबरें पूरी तरह गलत हैं और महामारी के दौर में लोगों को भ्रमित करने के लिए दी गई हैं।
सरकार ने कहा है कि कुछ मीडिया रिपोर्टों का यह दावा पूरी तरह भ्रामक है कि 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए कोवैक्सीन टीके की आपातकालीन मंजूरी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की आपातकालीन उपयोग सूची में नहीं है। मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आपातकालीन उपयोग सूची के बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे कोरोना जागरूकता श्रृंखला के तहत हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के डॉक्टर अनूप कुमार श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। ये कार्यक्रम FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और YouTube चैनल newsonair ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन पर चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये जोशीला शेर अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर का है जो आजाद हिंद रेडियो के कार्यक्रमों के शुरू में गूंजता था। बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना के उपरांत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की। उसे जर्मनी के रेडियो सर्विस के अंग के रूप में आरंभ किया गया था। उसका पहला प्रसारण 7 जनवरी 1942 को हुआ था। रेडियो के कार्यक्रमों में विदेश में रह रहे भारतीयों के साथ साथ इस महाद्वीप में रह रहे लोगों के प्रति एकजुटता दिखाई जाती थी। उनमें समाचार बुलेटिन भी शामिल थे जो अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, पश्तो, तमिल, फारसी और तेलुगु में प्रसारित किए जाते थे। हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना होगा जब तक हमें मुकम्मिल आजादी हासिल न हो। आप संगठित शक्ति से शांति और अहिंसा पूर्वक आत्म बलिदान करने के लिए जल्द से जल्द तैयार हो जाइए। न मालूम कब बिगुल बज उठे। असंगठित और कमजोर रहना पाप है। गुलामी सब कष्टों और पापों की जड़ है। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। आप इसके लिए तैयार हो जाइए जिससे यदि हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो स्वतंत्र हिंदुस्तान में जीवे और मरे।
सभी आजाद हिंदुस्तान दुनिया को नए नए संदेश दे सकेगा। शुरू में रेडियो का मुख्यालय जर्मनी में था, जिसे बाद में सिंगापुर स्थानांतरित कर दिया गया। बर्लिन से प्रसारण में बोस ब्रिटिश क्षेत्रों पर जापानी विजय का उत्सव मनाते थे और पूरे जुनून के साथ भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा करते थे। आजाद हिंद रेडियो का उद्देश्य दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सहयोगी देशों से रेडियो प्रसारण का मुकाबला करना था। अखिलो ब्रह्मांडोपोति रुनुमि चारुणे। आज स्वाधीनता सेनानी और समाज सुधारक ज्ञानांजन नियोगी की जयंती भी है। उनका जन्म 7 जनवरी 1891 को हुआ था। ज्ञानांजन पर ब्रह्म समाज के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने इन आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया तो ज्ञानांजन स्वाधीनता आंदोलन की तरफ आकर्षित हुए। ९ में ज्ञानांजन नियोगी ने कलकत्ता वर्किंग मेंस इंस्टीट्यूशन बनाया। शैक्षिक और प्रशिक्षण गतिविधियों के अतिरिक्त वो संस्थान झुग्गी बस्तियों में रहने वाले गरीबों के लाभ के लिए मेडिकल सहायता और विकास कार्यों का आयोजन भी करता था। उन्होंने बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों की गहन यात्रा की और गरीबों तथा समाज के अशिक्षित वर्गों में जागरूकता फैलाने के लिए मैजिक लैंटर्न यानी जादुई लालटेन का उपयोग करना आरंभ किया। स्वदेशी चीजों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए ज्ञानांजन ने स्वदेशी मेलों का आयोजन किया। 1930-31 के दौरान जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता के महापौर थे तो उन्होंने ज्ञानांजन से स्वदेशी अभियान चलाने का आग्रह किया था। स्वतंत्रता के उपरांत जब पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थी आए तो ज्ञानांजन नियोगी ने जी जान से पुनर्वास कार्य किया। 13 फरवरी 1956 को ज्ञानांजन की आत्मा श्री चरणों में विलीन हो गई। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग, कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। भारत ने गैर परमाणु हथियार वाले देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने के सिद्धांत को दोहराया है। भारत सार्वभौमिक, भेदभाव रहित और प्रमाण योग्य परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है। परमाणु युद्ध को रोकने और हथियारों की होड़ से बचने के संबंध में संयुक्त वक्तव्य पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत इस सप्ताह जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य का स्वागत करता है, जो परमाणु खतरों से निपटने के महत्व की पुष्टि करता है और विश्व में सुरक्षित माहौल कायम करने के संकल्प को रेखांकित करता है। जोहान्सबर्ग में दूसरे टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया है। 3 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें अब 1-1 की बराबरी पर हैं। तीसरा और अंतिम टेस्ट 11 जनवरी से केपटाउन में खेला जाएगा। अब एक नज़र आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में बादल छाए रहने का अनुमान है। कोलकाता में सुबह कोहरा छाया रहा। श्रीनगर और गिलगित में बारिश या बर्फबारी के आसार हैं। जम्मू में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। लेह में भी बादल छाए रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में गरज के साथ बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश ने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 150 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर इतिहास रचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से कोलकाता में चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के महापंजीयक को प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा से संबंधित रिकॉर्ड को सुरक्षित और संरक्षित करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक से संबंधित स्थिति का जायजा लेने के लिए 3 सदस्यीय गृह मंत्रालय की समिति फिरोजपुर पहुंची। उच्चतम न्यायालय ने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग और वर्ष 2021-22 शैक्षणिक सत्र के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण पर अपना फैसला सुनाया।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।